रेवाड़ी में एक सप्ताह के भीतर दो एटीएम मशीन चोरी की वारदातों के मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस का कहना है कि बड़ा गिरोह है जो वारदातों को अंजाम दे रहा है, जिनकी धरपकड़ के लिए सीआईए की टीमें लगी हुई है। रेवाड़ी के कमाली गांव में 25 जनवरी को 1.5 लाख रुपए से भरी एटीएम मशीन को उखाड़ चोर फरार हो गए थे और 31 जनवरी को खिजूरी गांव में आईसीआईसीआई बैंक की एटीएम को चोर उखाड़ फरार हो गए थे। दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस का कहना है कि सीआईए की टीमें लगी हुई है और जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। डीएसपी गजेंद्र ने कहा कि चोरों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही बैंकों को निर्देश दिए हैं कि एटीएम बूथ पर सुरक्षा के लिहाज से गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और सायरन सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें। देखो, ये जो एक ये बड़ा गैंग है जो कि ये अलवर, भिवाड़ी और गुड़गांव में ये ऑपरेट कर रहा है, इसके लिए हमने अपनी सीआईए टीम और जो दो तीन टीमें हमें लगा दी हैं जो कि ये इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो आगे सर इस तरह से वारदातें ना हो, क्योंकि अभी गिरफ्त में आए नहीं है वारदातें। सभी बैंकों को हमने ये सूचित कर दिया गया है कि इन जो है यहाँ पर गार्ड लगाएं और जो एटीएम को जो का जो है उसको रखें ना, बल्कि उसको गार्ड के सुरक्षित तौर पे उसको गार्डें और ताकि इसको कोई किसी की चोरी ना हो सके। तो जो अपने यहाँ जो केसेस हुए उसमें क्या पाएगा, जैसे सीसीटीवी कैमरे गार्ड है इनके पास, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है लगा हुआ था इसके अंदर, कोई सेंसर नहीं था, दूसरा कोई गार्ड नहीं था, जबकि इनको पता था कि भाई ये जो एटीएम है ये आइसोलेटेड प्लेसेस में है, रूरल एरिया साइड में। तो अब इनको निर्देश दिए गए हैं कि इनको निर्देश दे दिए गए हैं सर कि वो इस पे करें।